नमस्कार, 10 बड़ी खबरों के साथ मैं प्रतीक्षा पांडे हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में देखिए। रूस से करीब 39,000 करोड़ रुपए से S-400 सौदे को रोकने के लिए अमेरिका भारत को किफायती दाम पर अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए मनाने की कोशिश कर सकता है। गौरतलब है कि 6 जुलाई को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन अमेरिकी शहर वाशिंगटन में रहेंगी। जम्मू कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट को सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बेबुनियाद बताया है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि हमें इस रिपोर्ट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स मोटिवेटेड होती नहीं है। रावत बोले कि सेना घाटी में शानदार काम कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद के साथ ओडिशा के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी करीब 3 महीने पहले यानी 18 मार्च को मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी। इस घटना का खुलासा मंदिर प्रशासन की बैठक के बाद हुआ। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से निकल चुका है। जम्मू के भगवती नगर स्थित बेस कैंप में बीबीआर सुब्रमण्यम, बीबी व्यास और विजय कुमार ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर के कुख्यात आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा दिया है। हिजबुल की तरफ से जारी एक ऑडियो टेप में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं पर हमला करना उनका मकसद नहीं है। खूंटी में अपहरित जवानों की रिहाई के लिए पुलिस की टीम घाघरा गांव में घुसी है। इस दौरान पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। झड़प के दौरान एक शख्स की मौत की भी खबर है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। 2019 से पहले अपनी अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए बयानबाजी तेज है। सबसे ताजा और बड़ा बयान जेडीयू के महासचिव संजय सिंह का है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी नीतीश कुमार के बिना 2019 का चुनाव नहीं जीत सकती। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबर है। मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के नेताओं से भी मुलाकात की। इस बैठक में यूपी में मंत्रालयों की संख्या 80 से घटाकर 50 करने पर विचार किया गया। अगर ऐसा होता है तो कई मंत्रियों की कुर्सी भी जा सकती है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर वालों को जिस बारिश का इंतजार था, आखिरकार वो बारिश बुधवार को हुई। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश से बढ़ते तापमान से राहत मिली है। मंगलवार देर रात फीफा वर्ल्ड कप 2018 का एक शानदार मुकाबला देखने मिला। रूस में हो रहे वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना का मुकाबला नाइजीरिया से हुआ। अर्जेंटीना पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था और उसके लिए ये मुकाबला बड़े अंतर से जीतना बेहद जरूरी था, और हुआ भी कुछ वैसा ही।